महाराष्ट्र के पुणे जिले में बुधवार देर रात एक रासायनिक उत्पाद विनिर्माण इकाई में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पुणे सोलापुर रोड पर कुरकुम औद्योगिक क्षेत्र स्थित संयंत्र में लगी आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारी ने कहा कि आग बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे लगी। संयंत्र में मिश्रित विलायक से भरे ड्रम रखे थे और आग लगने के बाद उनमें विस्फोट होना शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि पानी के टैंकरों को तुरंत मौके पर भेजा गया और कुछ घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारी ने कहा हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, महाराष्ट्र।